हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, ऑलमोस्ट 186 रुपीज पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा मोटर्स को लेकर पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रहा था कि टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर को बेचने वाले हैं, तो उसको लेकर भी न्यूज आई हुई है। और आने वाले दिनों में आखिर आपको उन्हें टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, और अगर खरीदा हुआ है तो होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले एक हफ्ते का अगर मैं डेटा निकालता हूं तो पिछले एक हफ्ते में टाटा मोटर्स के शेयर में 11% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 13% से ज्यादा की गिरावट है। और आप चार्ट देखिए, कंटिन्यूअस शेयर गिर रहा है। 235 रुपए तक का लो हाई ये बना चुका था और 185 रुपए तक का लो बनाया है जो हाल फिलहाल है। और अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में टाटा मोटर्स में 44% तक की गिरावट भी आ चुकी है। 333 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और 151 रुपए तक का लो भी बनाया था इसने। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 52% की गिरावट है। मतलब 1 साल 3 साल का भी रिटर्न ये खा चुका है। 560 रुपये, 590, सॉरी 590 रुपये तक का इसने हाई बनाया था और 191 रुपये तक का लो भी बना चुका है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में टाटा मोटर्स के शेयर्स में 250% का ही ग्रोथ है, सिर्फ 250% का ग्रोथ है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे 50 रुपये तक का लो बना चुका है और ऑलमोस्ट 600 रुपये तक का हाई इसने बनाया है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए, लार्ज कैप स्टॉक के 53,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिसंबर के नतीजे यहाँ पर है लेकिन मार्च क्वार्टर के अभी तक नतीजे आए नहीं है। और आपको और दिसंबर के जो नतीजे थे उसके बारे में हम आगे भी बहुत सारी बात कर चुके हैं। सिर्फ 28,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ और सिर्फ जगुआर लैंड रोवर की वजह से था। बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखिए, प्रमोटर्स ने होल्डिंग इंक्रीज की है, एफआईएल्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 38.37% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, एफआईएल्स के पास 19.40% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि होल्डिंग कम की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड के पास 8.12% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.68% की होल्डिंग है। नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास 15.01% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 11.21% की होल्डिंग है और अदर डीआरएस के पास 0.47। देखिए, प्रमोटर्स के द्वारा स्टॉक थोड़े से गिरवी भी है, 4.67% की होल्डिंग गिरवी है, 47 म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाया है, 484 एफआईएल्स भी इन्वेस्टेड है और इंडिविजुअल होल्डिंग आप देखिए 10.87% की है। हालांकि डिविडेंड ये शेयर पे करता है लेकिन 2016 में लास्ट डिविडेंड पे किया था। देखिए, 2016 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद इसने डिविडेंड पे नहीं किया और डिविडेंड भी देखिए सिर्फ 20 पैसा पर शेयर है यहाँ पर। तो डिविडेंड के मुकाबले में टाटा मोटर्स में मानूंगा कि बहुत ही बेकार मैं मानूंगा डिविडेंड के हिसाब से, क्योंकि डिविडेंड के पे ही नहीं कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें होल्ड करने के लिए सोच रहे हो तो आप कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत सवाल जरूर उठता है। टाटा मोटर्स में जो अफवाह चली थी कि जैगुआर लैंड रोवर बेच रहे कि नहीं, तो आप फाइनली अब टाटा मोटर्स की तरफ से बता दिया गया है कि वो जैगुआर लैंड रोवर को नहीं बेच रहे हैं। एक्चुअली अगर बेचने वाली न्यूज होती तो डेफिनेटली मैं आपको कह देता कि मेरी तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन, आप खरीद सकते हो। लेकिन लेकिन अभी भी जगुआर टाटा मोटर के साथ चिपका हुआ है, टाटा मोटर्स के साथ चिपका हुआ है। देखिए, द प्रेस एसोसिएशन शेड द लीक इन्फॉर्मेशन सजेस्ट अ सेल कुड बी इलिमिनेटेड, सेटिंग अ पोस्ट सेल इमिडिएट द डॉक्यूमेंट विच आउटलाइन द बेनिफिट ऑफ द टू कंपनीज ज्वाइनिंग द फोर्स। अब ये है कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी वी डू नॉट कमेंट ऑन मीडिया स्पेकुलेशंस। तो देखिए, पॉलिसी की तरफ से मीडिया से में जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा टाटा मोटर के स्पोक्स पर्सन में। बट वी कैन कंफर्म दैट देर इज नो ट्रूथ ऑफ दिस रूमर। लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि वो इसको बेच नहीं रहे। तो देखिए, टाटा मोटर्स जगुआर को बेच नहीं रहा, मतलब और कई साल तक वो इसको आने वाले दिनों में धोता रहेगा और जगुआर में लॉस होता रहेगा। अगर जगुआर प्रॉफिट करना शुरू करता है तो शायद यहाँ से सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती है। अभी अगर मैं मनी कंट्रोल पे जा रहा हूँ तो 67% बाइंग रिकमेंडेशन है, 20% सेल है, 13% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। और इसकी अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कर्जा है इनके ऊपर, सिर्फ मार्च 2018 तक ही इनके ऊपर 16,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था, जो हाल फिलहाल और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और टोटल असेट्स इनके पास 36,000 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स भी इनके पास देखने को मिल रहे हैं।
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट है, करोड़ों में होल्डिंग है, चाहे वो रिलायंस हो या आईसीआईसीआई हो या एसबीआई हो, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या कि इसमें क्या करें। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो होल्ड करें, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में अगर जा चुके होंगे तो अब लॉस में बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन जो नए बायर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए, एटलीस्ट नतीजे आ जाने दीजिए मार्च क्वार्टर के, उसके बाद ही आप कोई फैसला लेंगे तो काफ़ी सही होगा। क्योंकि मुझे एक्चुअली जैगुआर लैंड रोवर को देखना है कि उसमें प्रॉफिट है, या अगर वो नुकसान, देखिए प्रॉफिट तो जैगुआर में होना मुझे नहीं लग रहा कि शायद जैगुआर में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अगेन वो लॉस लेकर ही आएगा। अब कितना लॉस वो लेकर आता है वो देखने वाली बात जरूर होगी। और दूसरी जो आने वाली अपडेट शायद हो सकते हैं कि जैगुआर और टाटा मोटर जैगुआर को बेच रहा है कि नहीं, तो वो भी एक देखने वाली अपडेट होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन शायद उसको ये रिकंसिडर आने वाले कुछ साल में करे, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो बाकी मर्जी आपकी है। हाल फिलहाल मेरी तरफ से जो फ्रेश बाय है उसके लिए मैं मना करूंगा कि टाटा मोटर में फ्रेश बाय करने की हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, नतीजे आ जाने दीजिए। और हाँ अगेन कहूंगा कि देखिए इस बीच में न्यूज के हिसाब से आने वाले दिनों में शायद आपको शेयर्स में इसी तरीके की अप्स एंड डाउन शायद देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अप देखने को मिला था। तो शायद इसमें अगर तेजी आ भी जाए तो ये मत सोचेगा कि अब शेयर बहुत ऊपर भाग रहा है तो अभी इसमें खरीदारी कर लेते हैं। तेजी अगर आ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड इसमें क्रिएट हो रहा है, लेकिन बाद में शेयर नीचे जरूर गिरेगा जब तक जैगुआर लैंड रोवर इसका टाटा मोटर से पीछा नहीं छूटता, या फिर जैगुआर लैंड रोवर प्रॉफिट नहीं करती। जब तक ये दोनों चीजें नहीं, दोनों में से कोई एक चीज नहीं हो जाती, तब तक मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना रिस्की जरूर है। उसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।